भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर सर्वश्रेष्ठ चीज में मैं हूं। जो भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है उनका प्रतीक मैं हूं, नागों में तक्षक मैं हूं, पुरुषोत्तम में भगवान राम मैं हूं, संहारक में शिव मैं हूं, रचयिता में ब्रह्मा मैं हूं। अर्थात जो भी सर्वश्रेष्ठ है वह मैं हूं, अर्थात जो भी कार्य है सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसा भगवान का कथन है। अर्जुन को भी यही शिक्षा दी जा रही है कि आप युद्ध कर रहे हो तो अपने युद्ध का सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदर्शन करो, ऐसा नहीं है कि आप आधे अधूरे मन से कार्य करो, क्योंकि भगवान चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो उसके सर्वश्रेष्ठ रूप का प्रतीक है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है, कण कण भगवान से निर्मित है। तो अच्छाई या बुराई से परे भगवान कैसे हो सकते हैं, सब कुछ उन्हीं में समाहित है। इसलिए एक विराट सत्य का उद्घाटन भगवान ने गीता में किया है कि जो अच्छा है या बुरा है उनमें जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान कृष्ण ही है, वह संवारक भी है, निर्माता भी है, पालनकर्ता भी है। उनका कथन का तात्पर्य यही कि आप जो भी कार्य करें बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से, योग कर्मसु कौशलम के तरीके से करें, कुशलता से करें, वही योग हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। प्रत्येक कार्य को ध्यान बनाया जा सकता है, योग बनाया जा सकता है, आनंदमय बनाया जा सकता है, युद्ध को भी आनंद के रूप में लिया जा सकता है। कृष्ण के साथ पूरी महाभारत में कहीं पर भी दुख प्रकट नहीं होता है, जबकि दुख चारों तरफ से उनकी तरफ टूट रहे हैं, लेकिन उसमें भी आनंद कैसे लिया जाए उसकी विधि कृष्ण ने पूरी महाभारत में बताई है। कृष्ण से थोड़ा भी दूर होते हैं महाभारत में तो हमें कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण की कथा वापस सम्मिलित होती है तो हमें पुनः आनंद की अनुभूति होने लगती है। पूरी कथा का सार यही है कि दुख में भी सुख कैसे ढूंढा जाए, युद्ध में भी गीता जैसे महाज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, हर क्षण को ध्यान में बदला जा सकता है, ऐसा कृष्ण का विचार है। परंतु अच्छी बातें ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रहती थी। अर्जुन बार बार विभ्रमित होता है, कृष्ण उसे समझाते हैं, जिसे अच्छे कार्य में हमारा मन नहीं लगता है, बार बार हम वापस पुराने डर्रे पे लौट आते हैं। मन को समझाना होता है, उसका उत्तम तरीका मौन है, जो अर्जुन ने पूरी गीता के समय प्रकट किया है। वह विभ्रमित भी हुआ है, आश्चर्यचकित भी हुआ है, भयक्रांत भी हुआ है, लेकिन मन भटकेगा और पुनः उसे सही मार्ग पर लौटा लाना है, वही कृष्ण ने किया, वही कृष्ण ने अर्जुन से करवाया। ऐसा ही हमारा मन है, पूरा मन और आत्मा के अंतर्द्वंद की कथा है महाभारत, और उसमें वर्णित ये गीता। मन ही हमारा अर्जुन है और आत्मा ही कृष्ण है। आत्मा मन को सही दिशा में ले जाना चाहती है, लेकिन मन भटकता है, मन का कार्य ही भटकना है, उसे वापस सही दिशा में लाना हमारा कर्तव्य है। यही पूरी गीता का सार है।